नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू आपके लिए फिर से मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज मैंने घर पे कुछ खाने के लिए बनाया है, बना रहा हूँ, आप देखिएगा। तो आज मैं घर पे समोसा बनाने वाला हूँ, तो एक वो तो आप उसकी रेसिपी देखिएगा किस प्रकार बनती है, बहुत ही गजब और स्वादिष्ट बनती है। अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हेलो दोस्तों, मैंने आलू की चटनी जो होती है समोसे के लिए, वो मैंने पहले से ही बना के रख रखी है। तो दोस्तों बता दूँ, इसमें मैंने आलू डाला है और मटर होती है, मटर बनाई है। और देखिए किस प्रकार कलर आ रहा है, आप देख के बता सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, वाह। और घर पे जो समोसा होते हैं बनाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसमें मैंने सौंफ डाली है और धनिया डाला है सूखा, और मसाला डाला है। मसाला बता देता हूँ इसमें कौन कौन सा यूज होता है। इसमें मसाला यूज किया है मैंने लौंग डोड़ा और काली मिर्च, इसमें ये यूज किया है। और ये बन के बिल्कुल रेडी है, मैंने पहले ही बना दिया था, मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो अब मैं लाल चटनी बनाने वाला हूँ, जो मीठी वाली चटनी होती है, तो उसे देखिएगा वो किस प्रकार बनती है। और दोस्तों, जब तक समोसा के साथ लाल चटनी नहीं हो तब तक उसको खाने में मज़ा ही नहीं आता। तो लाल चटनी बताता हूँ आपको किस प्रकार बनाते हैं लाल चटनी। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए, और इधर समोसे के लिए मैदा माड़ा जा रहा है, और मैदा माड़ा जा रहा है पानी के तेल डाल के, रिफाइंड डाल के माड़ा जाता है, इसे गूंदा जाता है। और बहुत ही आसान होता है इसका बनाने का तरीका। पानी डालते जाइए, और जो तेल है, तेल तो नहीं, रिफाइन यूज होता है इसमें, तेल यूज नहीं होगा, रिफाइन यूज कीजिएगा। अगर तेल यूज करेंगे तो उसमें से गंध आएगी, मतलब स्मेल आएगी उसकी, रिफाइन में स्मेल नहीं आती है, ठीक है। दोस्तों, लाल वाली चटनी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मैंने बना ली। देखिए ये मैंने कलर डाला है, इसमें आरा रोट डाला है और चीनी डाला है, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं जो भी है। तो मैं आपको सादा सिंपल बनाने का तरीका बता रहा हूँ, आप खुद अपने दिमाग से भी बना सकते हैं। अरारोट हमेशा गर्म पानी में घोल के ही डालना, अगर उसमें डाला ठंडे पानी में तो वो घुलेगा नहीं, उसकी डरी बन जाएंगी। तो देख सकते हैं चटनी बिल्कुल एकदम लाल, तो मैंने ये कलर डाला है इसमें, ये रहा कलर, ये हर दुकान पर मिल जाता है, ऑरेंज का आता है, ऑरेंज रेड, ये कलर यूज करना है आपको चटनी में। तो इधर ही मैं बता दूं, पालक की भी चटनी बनानी है आपको। ये मैंने करीबन आधा किलो पालक यूज लिया है, एक किलो सॉरी। तो इसमें हमने हरी मिर्च भी यूज करनी है, हरी मिर्च और पालक और साबुत धनिया, इसे पानी में उबालना है, उबालने के बाद फिर मिक्सी में पीस लेना है अपने हिसाब से। चाहे तो आप दही भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं, और अमचूर भी डाल सकते हैं खट्टापन के लिए। दोस्तों, फिलहाल अभी समोसे को तेल के उनमें भरना है, और भरने में और बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो अंधेरा भी होने वाला है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसे भरूंगा और आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम समोसे को उसमें रेडी कर लेते हैं, चटनी भर के आलू की। नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं फाइनली समोसा बनकर रेडी हो गए। ये हरे वाली चटनी है, पालक की और लाल मिर्च, और वो हरी मिर्च कम थी इसलिए मैंने लाल मिर्च डाल दी ताकि ये थोड़ी चटपटी बन जाए। और मैंने इसमें धनिया भी यूज किया है थोड़ा बहुत, ये लाल चटनी है देखिए, और ये समोसे है देखिए, और बहुत ही स्वाद के। और अब मैं खाकर बताता हूँ,
बहुत ही मेहनत लगती है इसमें, बहुत नैना काम है। गरम है, गरम गरम खाने में और भी ज़्यादा आनंद आता है। बहुत ही जबरदस्त। बहुत ही स्वाद के बने हैं, मैं बयान नहीं करता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए मुझे इधर दीजिए थबले, फिर ले जाऊँगा मैं आपके साथ ऐसी मज़ेदार वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।